मसीह में जब मैं आया तो डिसिप्लिन ये था कि 7 से 9 हम रोज प्रार्थना करें, इकट्ठे होके सभी 7 से 9 हम रोज प्रार्थना करते थे। दिल करता था, बिल्कुल नहीं करता था, ऐसा लगता कि आज छोड़ दें, आज रहने दें, लेकिन 7 से 9 प्रेयर टाइम, रात को प्रेयर टाइम, सुबह बिना प्रार्थना किए किसी काम पे मैं नहीं जाता हूँ। मॉर्निंग सबसे पहले पर्सनल प्रेयर होती, पर्सनल प्रेयर करने के बाद किसी भी काम को मैं हाथ लगाता हूँ। जब डिसिप्लिन लाइफ होगी, आपके किए गए हर काम में परमेश्वर का रूह शामिल हो जाए, हर काम। आप सुबह प्रेयर करेंगे पर्सनल लाइफ की प्रेयर, सुबह जो हम मैं प्रार्थना करता हूँ पर्सनल प्रार्थना होती, उसमें मैं अपने पर्सनल पॉइंट्स के ऊपर प्रार्थना करता हूँ, अपने लिए प्रेयर करता हूँ, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो मेरी पर्सनल प्रेयर उसे करता हूँ, रात को मैं प्रेयर करता हूँ। सुबह बिना प्रेयर के आप मुझे उठा नहीं सकते, कोई मीटिंग हो कोई ना हो मुझे कोई लेना देना नहीं। जब तक परमेश्वर के साथ समय आप नहीं व्यतीत कर लेते, अगर आपने ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, आप नोटिस करेंगे, आप कोई काम करेंगे, कोई चीज करेंगे, कुछ भी ऐसा स्टार्ट करेंगे, आपको महसूस होगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का रूह आपके साथ है, आपके शब्दों में है, वो आपके एक्शंस में है, वो आपके साथ है, वो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। यही फर्क, आप जब सुबह उठते हैं आप बिना प्रेयर के काम शुरू करते हैं और आपको निराशा हाथ लगती है, बिना प्रेयर किए आप फैमिली मेंबर्स के पास होते हैं और आपको ठोकरें लगती हैं अलग अलग तरह की, बिना प्रेयर किए आप बिजनेस में चले जाते हैं और आपको ठोकर लगती है, आपको निराशा लगती है, फिर आप निराशा भरे मुंह के साथ शाम को वापस आते हैं। क्योंकि अगर हमने डिसिप्लिन में रहना नहीं सीखा तो हम कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकते जो परमेश्वर चाहता है हमारी लाइफ में हो। आमेन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। जब आप मॉर्निंग उठते हैं आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं कि परमेश्वर मेरे ये काम, मेरे ये काम, मैं सब पर तेरे ऊपर भरोसा करता हूं सब कामों के लिए। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है और कोई काम आपने करना है उसके लिए आपको 90 लाख चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं फिर भी प्रेयर करना और परमेश्वर को शामिल करना, बिना ग्रेस के कभी मत निकलना, बिना ग्रेस के कोई काम शुरू मत करना, बिना प्रार्थना या कुछ भी शुरू और कुछ भी खत्म ना करना। आमेन। मेरी फैमिली बोलती है अभी तो आए थे प्रेयर पे, अभी फिर प्रेयर, अभी हम रात को फिर प्रेयर, सुबह उठने के बाद फिर प्रेयर। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे आप बड़ा जहाज ऐसे चलाओगे जैसे आप बाइक चला रहे हो। सिर्फ यही फासला, यही एक फर्क है एक कामयाबी और नाकामयाबी में, एक बेस्ट लाइफ और एक स्ट्रगल्ड लाइफ में। डिसिप्लिन का ही फर्क है कि एक मसीही डिसिप्लिन आपकी लाइफ में है या नहीं। मैंने देखा लोगों को, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन है कि संडे वो परमेश्वर के घर में ही होंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे उनके परिवार में शादी भी आ जाए, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं हमारा जो प्यार है परमेश्वर के लिए वो ठंडा होता जाता है। हमें मिरेकल देखने की आदत पड़ गई है, हमें सब कुछ लगता है कि हाँ ये तो हमारा हक ही है, ये तो परमेश्वर ने हमें देना ही। और बाइबल कहती है परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कि तू देख तू कहां गिरा और तू ना ठंडा है ना गर्म है, अब तू क्या कर, या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा, अपने पहले वाले प्रेम को याद करके फिर से वो प्रेम जगा, क्योंकि मैं आने वाला हूं। आमेन। एक डिसिप्लिन लाइफ आपको वो दे सकती है जो दूसरी लाइफ की जो मेहनत है 20 साल की वो नहीं दे सकती। डिसिप्लिन में रह के एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपके लिए ठहराया गया, आप क्रिश्चियन है, आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रह के चलना है। आमेन। आप देख लो, बाइबल पढ़ लो, जिन लोगों ने डिसिप्लिन में लाइफ बिताई है वो लोग आराम से कामयाब हुए। यूसुफ आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ, बॉडी पे कंट्रोल है। डैनियल आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ। अब मैंने कहा आप करके देखना है, आप 10 दिन लगातार प्रार्थना करके देखो, 2 टाइम या 3 टाइम, 11वें दिन आपका दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको आदत पड़ जाए और आप आदत रोज करना शुरू कर दें, डिसिप्लिन की आदत डाल दें, आपका रिजल्ट आपको मजबूर कर देगा, फिर आप आगे बढ़े और अधिक डिसिप्लिन में जिए, आपका रिजल्ट आपको बताएगा। आमेन।
क्योंकि बिना डिसिप्लिन के डिसाइपल तो कोई है ही नहीं।